हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए अरबी के पत्तों से बनी वड़ी की रेसिपी लेकर आई हूं और इसे आप सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ में स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से तो अरबी के पत्ते के ऊपर बेसन का घोल लगाकर इसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने इस आलू वड़ी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए झटपट अरबी के पत्ते से टेस्टी और क्रिस्पी वड़ी बनाने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर इसे कपड़े से साफ कर लें। मैंने यहाँ पर 7 अरबी के पत्ते लिए हैं और इन्हें मैंने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। और अब अरबी के पत्ते को पलट लें और इसकी स्टेम को चाकू से काट के हटा दें, क्योंकि वह बहुत सख्त होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अरबी के पत्तों के सख्त पोर्शन को मैं निकाल कर अलग कर लूंगी। और दर्शकों, अरबी के पत्तों से बनी हुई यह वड़ी बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आप भी इस तरह से परफेक्ट अरबी के पत्तों से वड़ी बना सकेंगे। तो चलिए इसी तरह से सभी पत्तों में से स्टेम को निकाल कर अलग कर लें। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। और अब सभी पत्तों को एक के ऊपर एक रखें और इसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लें। अब हमें इन्हें काटना है, तो मैंने पत्तों के बीच में एक कट लगा लिया है। इसी तरह से एक के ऊपर एक पत्तों के लेयर लगाते जाएं और इन्हें काटते जाएं। इसी तरह से मैं पत्तों को लंबे स्ट्रिप्स में काट लूंगी और बाद में हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तो यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और अब इन लंबी स्ट्रिप्स को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। वैसे यह अरबी के पत्तों की वड़ी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। इसमें आपको बेसन को पत्तों में लपेटने का झंझट भी नहीं है और बिगिनर्स भी इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी पत्तों को काट लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है। सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दें और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रखें कि इसे पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो कुछ इस तरह का यह पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे भी अरबी के पत्तों के ऊपर डाल देते हैं और बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल और साथ में लेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन और उसे हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। और अब नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 चम्मच और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे। और अब अरबी की इस वड़ी को चटपटा सा स्वाद देने के लिए इसमें हम 1/4 चम्मच गर्म मसाला ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच इमली का पल्प लिया है, और अगर आपके पास में इमली का पल्प नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच गुड़ या जैगरी और अब हम इसमें चुटकी भर हींग ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, इसे मैंने छन्नी से अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसे भी मिक्सिंग बोल में ऐड कर देंगे और इसी के साथ में लेंगे 1/4 कप चावल का आटा। इससे हमारी वड़ी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी, तो आप इसमें चावल का आटा ज़रूर डालें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अंत में इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस मिश्रण को बिना पानी के ही मिक्स करना है और अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम आगे चलकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा यह मिश्रण अभी भी काफ़ी ड्राई है और इसमें बाइंडिंग नहीं आई है, तो यहाँ पर मैं पहले 1 चम्मच पानी ऐड करूँगी, उसके बाद मैं फिर से सभी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप इस मिश्रण में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो यह मिश्रण काफ़ी गीला हो जाएगा और सही तरीके से इसका रोल नहीं बन पाएगा। इसी तरह से मिश्रण को अच्छी तरह से मसलते हुए इसका एक डो जैसा बनाकर तैयार कर लें। और अगर यह मिश्रण हाथों में चिपक रहा हो तो इसमें 1 चम्मच तेल डाल दें। हमारा यह मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब एक पतीला लेंगे और उसमें पानी को उबलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा यह पानी उबलेगा तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 छन्नी ली है और उसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह छन्नी में तेल लगाने से हमारे ये रोल इसमें चिपकेंगे नहीं।
तो चलिए अब हमें इस मिश्रण का रोल बनाकर तैयार करना है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे सिलेंड्रिकल शेप दिया है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और इस मिश्रण के समान भाग कर लें। अब मिश्रण का एक हिस्सा हाथों में लें और इसे अच्छी तरह से रोल करते हुए सिलेंड्रिकल शेप दें। आप देख सकते हैं हमने इस मिश्रण का बढ़िया सा रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे छलनी के ऊपर रख देते हैं और इसी तरह से दूसरा रोल बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा रोल बनकर भी तैयार है। अब हम इसे भी छलनी के ऊपर रख देते हैं और वहाँ पर हमारा पानी भी उबलकर तैयार हो गया है। अब इस छलनी को गर्म पानी के ऊपर रख दें और इसे ढक्कन से ढक दें और इसे हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने दें। तो चलिए लगभग 20 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं हमारे ये रोल्स बनकर तैयार है या नहीं। हाथों में यह मिश्रण बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब यह रोल परफेक्ट स्टीम होकर तैयार हो गया है। एक टूथपिक लें और उसे रोल के अंदर डालकर चेक करें। अगर यह टूथपिक साफ निकल आए तो समझिए कि रोल अंदर तक पूरी तरह से स्टीम हो गया है। चलिए अब हम इस रोल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। रोल के ठंडा होने के बाद इन्हें आधा इंच के मोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस रोल को पूरा ठंडा होने के बाद में ही काटना है, नहीं तो इसकी वड़ी टूट जाएगी। और अब इसी तरह से हम दूसरा रोल भी काट कर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो यह वड़ी ऐसे ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन मैं इसे थोड़े से तेल में शैलो फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें एक एक करके वड़ी को रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इस वड़ी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें दोनों साइड में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं हमारी यह वड़ी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम वड़ी की दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। यह भी अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो गई है और गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर अरबी के पत्तों से इस तरह से वड़ी बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अरबी के पत्तों से बनी इस गर्मा गर्म वड़ी को हम रेस्टोरेंट स्टाइल से सर्व करते हैं। वड़ी को सर्व करने से पहले हम इसे भुने हुए सफ़ेद तिल से गार्निश कर लेंगे। इस वड़ी को आप सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ में एंजॉय करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।